नरवर तहसील की मगरूनी चौकी अंतर्गत ग्राम डिगवास में बीती रात्रि में चोरों ने 7 घरों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात भी चोरी किए गए हैं। चोरी की सूचना मिलते ही मगरूनी चौकी प्रभारी मुकेश दुवोलिया अपनी टीम व स्नर डॉग को लेकर घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। चोरी रात में 12-1 बजे के बाद आप कहाँ यहीं थे कहीं से? नहीं जाइए तो घर में ही। क्या क्या चला गया आपकी चोरी में? 1 लाख रुपये चले गए, मंगलसूत्र चला हुआ, 2-3 जोड़ी तोड़ियाँ चली गई, 1 जंजीर चली गई और 25-20 किलो के अंदाज की चलो। आपने कब पता चला आपको चोरी हो गई हमारे घर में? सवेरे पता पड़ो। आज सुबह पुलिस को डिगवास गांव के सरपंच द्वारा 15 सूचना मिली थी कि वहाँ गांव में 6-7 घरों में इकट्ठे रात में चोरियाँ हुई हैं। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो पाया कि 6 घर हैं, 7 स्पॉट्स हैं, 1 घर में 2 स्पॉट्स हैं। तो वहाँ सोने चांदी के जेवरात तो नकदी कोई अज्ञात चोर रात में चोरी कर ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई क्योंकि मामला 7 घरों का होने से डॉग स्क्वाड एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया। उनके द्वारा भी अपनी पूरी तस्दीक और तफ्तीश की गई मौके पर। तो 7 घर अलग घरों में चोरियाँ हुई हैं, सभी रावत समाज के लोगों के घर हैं। एक देवेंद्र रावत, बजरंग रावत, धनपाल रावत, वीरेंद्र कल्लू रावत, निरंजन रावत, उमराम रावत, नरोत्तम रावत, सभी डिगवास ग्राम के रहने वाले हैं। आसपास सभी के घर बनी हैं। रात में करीबन 1 से 3 बजे के बीच का मामला ग्रामीणों द्वारा बताया गया है। सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और चोर इसी सोते समय का फायदा उठाकर सभी लोगों के घरों से अलमारी और बक्से का ताला खुलाकर सामान ले गए हैं। अलग अलग घरों से अलग अलग माल और नकदी की चोरी हुई है। किसी के यहाँ से सोने के हार, एक व्यक्ति के यहाँ से 1 लाख रुपये नकदी गई है, एक के यहाँ से 1-4 तोले का हार गया है, एक के यहाँ से चांदी की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ, पायल गई हैं। कुल मिलाकर लगभग 2,07,000 रुपये नकदी हम सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ले गए हैं। पुलिस चोरों का अभी तक कोई पता नहीं पड़ सका है। इसी प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी दरबार एवं डबरा देहात थाना क्षेत्र में हुई हैं, तो वहाँ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहाँ क्या चोरों के संबंध में जानकारी मिली तो उनसे जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।